शुक्रवार को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक थी, जिसमें तमाम बड़े क्षत्रप यहाँ मौजूद थे और इसी बीच अरविंद केजरीवाल भी बुलाए गए थे और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले यहाँ से निकल के चले गए। और इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजद के वरिष्ठ नेता, या कहें महागठबंधन के वरिष्ठ नेता, शिवानंद तिवारी। क्या लगता है सर, किस तरह से देखते हैं आप केजरीवाल जी के? अरविंद केजरीवाल को मैंने हम बहुत मैंने गंभीरता से या बहुत महत्व देकर के नहीं देख रहे हैं। इसलिए नहीं देख रहे हैं कि उनका जो तरीका है वो तरीका बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी इस देश में शासन कर रहे हैं उसकी वजह से उनके खिलाफ जो है गोलबंदी हो रही है, और उसी तरह के तरीके को आप इस्तेमाल करें। आप कहे कि नहीं साहब, जो मेरा एजेंडा है पहले वो तय हो जाए, उसके बाद बाकी चीजें बाद में तय होती रहेंगी, इसको कौन मानेगा भाई? जो लड़ाई है वो लड़ाई क्या है? डेमोक्रेसी को बचाने की ही लड़ाई है, देश को बचाने की ही लड़ाई है। और आपका जो मामला है वो भी जो है डेमोक्रेसी के खिलाफ ही ऑर्डिनेंस आया है। तो जो मेन एजेंडा है उस एजेंडा के अंदर आपका भी मामला जो है छिपा हुआ है। और ये तो हुआ था कि इसके बारे में तय होगा साहब, जो बैठक होगी बैठक के अंदर तय होगी। लेकिन आप ये कहिएगा कि नहीं साहब पहले मेरा तय हो जाए उसके बाद बैठक हो, इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अगर इनके तौर तरीके अनडेमोक्रेटिक हैं तो इनको बुलाया ही क्यों गया? वो तैयार थे, खुद वो तैयार थे, खुद वो घूम घूम करके मैंने समर्थन मांग रहे थे, अलग अलग राज्यों में जाके मांग, अलग अलग पार्टियों से मांग रहे थे। नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हुई थी, इसके पहले एक से अधिक बार मुलाकात हुई थी, इसलिए उनको बुलाया गया था। तो अब जो विपक्ष की दूसरी बड़ी बैठक शिमला में होने वाली है, प्रस्तावित है जुलाई के सेकेंड वीक में, 10 या 12 के बीच में, तो उसमें क्या इनको न्योता मिलेगा? हम नहीं जानते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं भाई। न्योता तो इनको ऑलरेडी है ही ना भाई, तो उनको अब ऐसा नहीं है कि जितने लोग शामिल हुए सब के सब लोग इकट्ठा होंगे जो अगली बैठक होगी उसमें। इसलिए उस कल की बैठक के लिए उनको ऑलरेडी न्योता है ही, तो वो अगली जो बैठक है उसमें नेचुरली इन्वाइटेड होंगे। आना है नहीं आना है, बैठक में शरीक होना है नहीं होना है, ये उनको तय करना है।